मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी। अब जब तक मुझ में दम होगा, जब तक मुझ में सांस होगी, मैं झोपड़ी वालों के लिए लड़ूंगा, गरीब लोगों के लिए लड़ूंगा, कमजोर लोगों के लिए लड़ूंगा। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। कोई कितना भी गरीब हो, किसी भी जात में पैदा हो, दिल्ली में अगर कोई बच्चा पैदा होगा, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वोट मांगने आते हैं नेता? आता है वोट मांग, कहता है सब कुछ दूंगा, मगर जब जीत जाता है तो कोई देखने के लिए नहीं आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम आवाज। मैं हूं काविन चौहान। आज की आवाज उन लोगों के नाम जिनका जिक्र करते राजनेता, अभिनेता और एनजीओ थकते नहीं है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही होती है। आज की आवाज उन नन्हे और मासूम हाथों के नाम कि जिन पर लगने वाले जख्म उनकी माओं के दिलों को छलनी तो करते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। आज की आवाज़ उन तमाम लोगों के नाम जो मर मर कर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं और हमारी सरकारें उन तस्वीरों को छिपाने में मशगूल। बीते हफ्ते आवाज़ की टीम दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को कवर करने में व्यस्त थी। इसी बीच दिल्ली के आईटीओ में जारी विपक्षी पार्टियों के धरना प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देखकर हमें भी कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ। रोड के इस तरफ तमाम नेता नारेबाजी कर रहे थे कि हम गरीब किसानों के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। वहीं रोड के उस तरफ बुजुर्ग दंपत्ति ठंड में चाय बेच रहा था और उसका मकान इतना बड़ा था जितनी बड़ी सड़क के उस पार खड़े नेता की छोटी गाड़ी। यह हम ही नहीं, वहां मौजूद नेता भी सब कुछ देख रहे थे। न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार करते ये नेता आंखें मूंदे थे। लेकिन आवाज की टीम ने फैसला लिया कि इस बुजुर्ग दंपति की कहानी हम दिखाएंगे और यहीं से इस दिल हिला देने वाली कहानी का आगाज होता है। जब वोट लेने सब चले आता है तो सोचते हैं वोटर लीजिए क्या करेंगे, दे देते हैं जिसको। बेटा आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। तो हम तो नहीं बांग्लादेशी हैं, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ, है तो बिहार का। अम्मा बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे और जब तक आपको मदद ना मिल जाए। नमस्ते अंकल, ये बताइए ये आपकी छोटी सी एक दुकान थी, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर खाट पड़ी हुई है जिसके ऊपर तिरपाल भी है, किस चीज़ की दुकान है और कब से चला रहे हैं आप? बाबू जी ये देखो मुझे 10 साल से चला रहे हैं, 10-12 साल हो गया। इसमें जुग्गी, मेरे पार्क में जुग्गी था, जुग्गी 5 साल हो गया तुरने से, मैं 5 साल से इसी पटरी पर रहता हूँ और मैं इसी में कमाना खाना इसी में सब को है। मेरे पास 2-3 कुत्ते हैं, उसको भी रोटी देता हूँ, अपना भी खाता हूँ और इसमें मुझे कोई गुंजाइश नहीं है, आगे पीछे कोई देखने वाले नहीं है। मैं पटरी पर रहते रात दिन पटरी पर सोता हूँ, मुझे नहीं जगह मिला ना कुछ मिला। मेरे पास वोटर लिस्ट है 10 साल का, पहचान पता है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ मेरे पास है और मेरे विकलांग बच्चे भी है, उसको देखने वाले कोई नहीं है। ये बताइए, आपने बताया कि आप यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं, आप इतनी सर्द चल रही है, इतनी ठंड हो रही है, आप कैसे रह पाते हैं और कहाँ रहते हैं? इस ये छोटा सा जो खाट पड़ी है इसके आसपास आप रहते हैं? ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये इनका पूरा घर है, ये इनका पूरा घर है, ये बर्तन है जिसमें ये लोग खाना बनाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, ये तिरपाल है जिसको लगाकर ये लोग रात में ठंड से अपना बचाव करते हैं और सोते हैं। कुल मिलाकर ये इतनी सी जगह जो कि 4 से 5 कदम होगी, इतने में ही इनका पूरा घर सीमित है। सोते हैं, खटिया से घेर लेते हैं, तिरपाल ऊपर से टांग करके हम लोग रात भर अपने गुजारिश कर लेते हैं, वर्षा हो कुछ भी हो। फिर 4 बजे भोरे उठ जाता हूँ क्योंकि ऑफिस खुल जाता है FDA का, अफसर लोग देखेगा, इसीलिए सारे सामान उठा करके यहाँ आन के रख देते हैं। फिर ITO पे आपकी दुकान है, यहाँ तमाम बड़े नेता आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनके यहाँ पर आते हैं। कोई कभी आया जिसने आपकी मदद की हो, किसी ने मदद की बात की हो? नहीं, कोई नहीं आया बाबूजी, एक ही आया थी FDA का, नहीं कमेटी मेरे से पैसा लेता है, नहीं बीड वाले पैसा लेता है। जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में मैं इसी जगह बिताए हैं,
हमने लाइन लगता था तो मेरे को बेल लाइन का बीट वाले अफसर सब बढ़िया है, इसीलिए कि वो लोग दो रोटी मेरा यहाँ पहुँचा देता था। लॉकडाउन की बात की आपने, लॉकडाउन में तो सरकार ने ये कहा कि हर गरीब की थाली तक खाना पहुँचाया गया, मिला आपको? हाँ जी हाँ जी, वो खाना मेरा बीट वाले अफसर पहने लाइन पर सब लगता था, मेरे को नहीं लगने देता था। बाबा का मेरा खाना, तीन थैली खाना मेरे को तीन आदमी के मिल जाता था। आपने बताया कि आपके पास वोटर कार्ड भी है, अगर वोटर कार्ड है तो वोट मांगने आते हैं नेता? आता है, वोट कहता सब कुछ दूंगा, मगर जब जीत जाता तो कोई देखने के लिए नहीं आता है। वोट मांगने आते हैं, बोलते हैं सब कुछ देंगे, आज तक किसी ने बात भी की कि आपको घर दिलवाने की बात की? कोई कोई नहीं कहा। ऑफिस हम गए हैं, इसके भी कांग्रेस के ऑफिस में भी गए हैं, हमने बोले जब साड़ी बट रहा था तो हमने बोले क्या कि जब यहाँ बांट रहे हैं कुछ न कुछ तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। हम एक पटरी पर अकेला रहते हैं, उधर जुग्गी में सब नज़दीक में वो लोग को देते हैं, तो हमने लड़ाई झगड़ा करके कह करके तब उसके बाद ने हमको इब्रान ने दिया 5 किलो 10 किलो अनाज दिया, आटा से चावल से तेल कूड़ से वहाँ से लेकर आए। मगर यहाँ भी जहाँ जहाँ वितरण जो जो गाड़ी ले लेके जाता था, कोई कोई गरीबों को खाना लेकर के, कोई आटे चावल, मगर FDA से मेरे को सहारा मिलता है। FDA वाले दो साहब है। आप परेशान मत होइए, ये बताइए आम आदमी पार्टी का कार्यालय यहाँ से चंद कदम दूर है, भाजपा का कार्यालय भी चंद कदम दूर है, एक से एक बड़ा नेता यहाँ आता है, यहाँ से निकल कर जाता है, कभी कोई मदद की बात नहीं करता? मदद का नहीं करा, मेरा 61 साल हो गया, मेरा पिल्सिन नहीं मिल रहा है, अब बूढ़ा आदमी है वो, मैं पिल्सिन नहीं मिल रहा, देखा कपड़े मेरे पास नहीं है, मैं मजबूरी पटरी पर बैठे हुए हूँ, मैं क्या करूँ, कौन सा काम करके खाऊँ, पटरी पर यही चाय बेचता है और अपने खाते हैं आराम से, ये पटरी पर सो जाता हूँ। आप दोनों पति पत्नी यहाँ पर रहते हैं, आपके साथ और भी कोई रहता है? कोई नहीं रहता मेरे पास, कोई नहीं रहता यहाँ, एक ही बच्चा है विकलांग, वही रहता मेरे साथ। नातिन बूढ़े दादी बाबा के साथ रहती है क्योंकि उसकी दूसरी माँ उसे परेशान करती है, ऐसा उस बच्ची ने हमें बताया। पढ़ने का शौक है, पास की एक महिला पढ़ा देती है। जब हमने बच्ची से पूछा कि क्या वो पढ़ना चाहती है, तो आप खुद सुनिए। बेटा आप पढ़ना चाहते हो? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। काश उसकी आवाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार तक भी पहुंच पाती। इसका माँ साले भर का था तभी मेरे घर से चले गया, अपने में शादी किए थे हमने, वो पैसे मेरे को भेज गया 8-9 लाख, 10-10 टका सकड़ा से टका उठाए थे उसको देने के लिए इसके माँ को। इसके माँ जब छुटकारा लिया, इसके नाना नानी छुटकारा करवा लिया, तो वो पैसे उठा कर हमने दूसरे से ले ले करके दिए, वो पैसा जब दे दिए उसको चुकती कर लिया, इसको पोसे पाले तब यहाँ जुग्गी था, उसके अंदर में जुग्गी था, वो जुग्गी ने टूट गया एकाएक तब। आँखों में गरीबी के आंसू लिए बैठी बूढ़ी दादी, हर जिम्मेदारियाँ निभाता बूढ़ा शख्स, और अपने सपनों को तिल तिल मरते देखती एक मासूम। सामने खाट पे बना पूरा घर, पूरा आशियाना, घर का कुल काबिले जिक्र ये है, एक चादर, एक तिरपाल, 4 बर्तन और ना होने के बराबर खाने का सामान। बुजुर्ग दंपति गरीब हैं लेकिन दिल के बहुत अमीर। बूढ़ी दादी ने हमें बताया कि वो खुद भूखी सो जाती हैं लेकिन उनके साथ रह रहे 4 कुत्तों को भूखा नहीं सोने देती। ये कुत्ते उनकी रखवाली करते हैं, ये कुत्ते ही हैं जो इन गरीब लोगों का सहारा है। 4 कुत्ता रात में जैसे कंगला उंगला चरसी उरसी आता है ना, तो वही कुत्ता बचाता है मेरे को। हाँ, इसीलिए मैं कुत्ता को देता हूँ 1 किलो आटा का रोटी, 25 रुपया किलो आटा आनता हूँ, 1.5 किलो। आप खुद एक दिन में 150-200 रुपया कमाते हैं, आप कुत्तों को भी खिलाते हैं? क्या करूँ क्या करूँ बाबू, कुत्ता अपने नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मगर कुत्ता को खिला देंगे तो इज्जत बचा देगा, इसीलिए और कुछ के लेकर नहीं। आजकल चरसी उरसी चलता है, कल की रात आ गया था 2, तब पिया खाया था, तब बाबा को उठा, कुत्ता एकदम चढ़ बैठा उसके ऊपर, तो बाबा धड़फड़ा कर निकला, बोला यहाँ क्यों आया, जाओ जाओ, हमने बोले जाते मैं पुलिस को रहो 100 नंबर को कॉल करते, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ जाओ, फिर भी डरा डरा कर सोचे पत्थर उथल नहीं चला दे, तब फिर उधर टुगरते टुगरते कोर्ट का गेट पर गया, वहाँ ढकढकाया गार्ड, उधर से डंटा उठाया, तो फिर वहाँ से चले गया आगे, फिर बैठा 2 बजे रात से, किरणिया रात से 2 बजे रात से बैठे रह गए हम लोग, जागे रह गए, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी गरीबी। जब हम ज़मीन पर जाके इस चीज़ को देखते हैं तो तब इस चीज़ की इल्म होता है कि ये सबसे बड़ा अभिशाप है।
हर नेता, हर बड़ी राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं लगातार इस तरह से बातें करते हैं कि गरीबों के साथ हैं, एक भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का लगातार जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी माँ और उनका एक नाती, ये तीनों लोग 100-150 रुपए में किस तरीके से खाना खाते हैं, उसके साथ ही कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं। भारत के गरीब तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट सैंपल की तरह होते हैं। गरीबों के नेताओं के जगमगाते घर भी कई दफ़ा शर्मिंदगी महसूस करते होंगे। खैर, जाते जाते हमने इन बेबस आँखों को देख उनको यकीन दिलाया कि हम हमेशा उनकी मदद के लिए उनके साथ हैं। हालांकि मन में यही सवाल था कि क्या यही मेरा देश महान है, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है, क्या यही भारत है।